और बात देवरिया हत्याकांड की करते हैं, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे का बेटा आज फफक कर रो पड़ा। देवरिया में मीडिया से बात करते हुए देवेश ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ ही उसने ऐलान कर दिया कि जब तक आरोपियों के घर नहीं गिराए जाते हैं तब तक वो अपने मृतक परिवार का ब्रह्मभोज नहीं करेगा। देवरिया हत्याकांड में मारे गए मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने बड़ा बयान दिया है। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की मांग है आरोपियों को फांसी की सजा। साथ ही देवेश का कहना है कि जिसने उसके भाई बहन को गोली मारी है उसका एनकाउंटर हो। देवेश ने कहा कि मृतक प्रेमचंद यादव का जब तक मकान नहीं गिरेगा तब तक वो अपने मृत आत्मा के लिए ब्रह्म भोज नहीं करेगा। रामनाथ देवरिया इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए देवेश भावुक हो गए और फफक फफक कर रोने लगे। प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट देवेश ने मृतक परिवार की आत्मा की शांति के लिए होने वाले ब्रह्म भोज को कार्रवाई से पहले नहीं करने का ऐलान किया है। कि जो भी हमारे माँ बाप को हमारे पूरा परिवार को नरसंहार कर दिया है उसको फांसी की सजा मिले या नहीं तो इनकाउंटर हो, और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं उनको तो पहले उनकी मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। जब तक इन लोगों का मकान सिर्फ प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूंगा। ब्रह्मभोज कब है आपका? 13 तारीख को है, इसी 13 तारीख को। वहीं दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच आज मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश अपने गांव फतेहपुर पहुंचा, जहां मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एकादश का पूजा पाठ वैदिक मंत्रों से किया। अपने घर पर दूसरी बार पहुंचने पर वो मायूस हो उठा तो वहीं वो उस जमीन पर भी गया। यही वो जमीन है जिसके विवाद में देवेश के परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। विवादित जमीन को देखकर देवेश रोने लगा। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहे। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे का ब्रह्मभोज 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सत्यप्रकाश के बड़े बेटे देवेश ने ब्रह्मभोज फतेहपुर के लेढ़ा टोला से करने के लिए डीएम से अनुमति मांगी है। डीएम को पत्र लिखकर देवेश ब्रह्मभोज कार्यक्रम गांव में करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही ब्रह्मभोज में 70 लोगों को शामिल होने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन इसी बीच देवेश के बयान के बाद अब ब्रह्मभोज पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए देवरिया से उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट।